बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक और खूबसूरत और स्टाइलिश सा स्लीव डिज़ाइन, जिसके लिए हमने ये स्लीव्स की पहले से कटिंग कर ली है। लंबाई हमने रखी है 18 इंच और चौड़ाई जो है वो हमने रखी है 8 इंच। ऊपर से जो कंधे की चौड़ाई है वो हमने रखी है 11 इंच। ये जो चौड़ाई है, जो हमने टोटल चौड़ाई रखनी थी स्लीव की, उससे हमने 1 इंच ज़्यादा रखी है। और ये 1 इंच हमने क्यों ज़्यादा रखी है ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। ये हमने रेड कलर के कपड़े के पीस लिए हैं, ये देखें 2 पीस लिए हैं हमने। इनकी चौड़ाई हमने ली है तकरीबन 4.5 इंच और लंबाई जो है वो इनकी हमने 18 इंचेस ही ली है, यानी जितनी हमने बाजों की लेंथ रखी है उतनी ही इन पीसेस की रखी है। ये हमने पेस्टिंग पेपर का एक टुकड़ा लिया है, इसकी जो चौड़ाई है वो हमने ली है 4 इंच और लंबाई इसकी भी हमने तकरीबन 18 इंच ही रखी है, क्योंकि हमने स्लीव पे लंबाई के रुख डिजाइन बनाना है, सो इसलिए हमने तीनों चीजों की लंबाई एक जैसी ली है। पेस्टिंग पेपर को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे, ये देखें फोल्ड होने के बाद ये हमारे पास 2 इंच रह गया है। फिर हम लंबाई के रुख इस पे 2-2 इंच के फासले पर मार्क कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने पेस्टिंग पेपर पर लंबाई के रुख मार्क लगा लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से, यानी दो जो मार्क हमने लगाए हैं उनके दरमियान में से फोल्ड करके इस तरह निशान बना लेंगे। ये देखिए हमने इसको फोल्ड करके इस पे मार्क डाले हैं। अब हमने जो इसके दरमियान में फोल्ड करके मार्क डाले हैं वहां पे ऊपर की तरफ 3-3 सेंटीमीटर पे निशान लगाने हैं इस तरह से, यानी जो हमने 2-2 इंच के फासले पे मार्क किए हैं उनके बिल्कुल दरमियान में हमने ऊपर की तरफ 3-3 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेने हैं। निशान बिल्कुल दरमियान में है, इसलिए हमने पेस्टिंग पेपर को इस तरह से फोल्ड करके निशान डाले थे। ये देखें जी, हमने बिल्कुल दरमियान में 3-3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ निशान लगा लिए हैं। अब इस तरह स्केल की मदद से हम ट्रायंगल बनाते हुए इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। ये देखें जी, ट्रायंगल्स हमने बना ली हैं पूरे पेस्टिंग पेपर पर लंबाई के रुख। अब हम इनको कैंची की मदद से कट कर लेंगे। ये देखें जी, हमने कटिंग कर ली है। ये देखें, इस तरह से हम इन ट्रायंगल्स का जो है वो डिजाइन बनाएंगे स्लीव के ऊपर। अब हमने जो रेड कलर के कपड़े के पीसेस लिए थे 4.5-4 इंच चौड़ाई के, उनको हमने फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके एक साइड पे हमने ये ट्रायंगल्स वाला पेस्टिंग पेपर इस तरह से पेस्ट कर लेना है। ये देखें, दोनों पीसेस पे हमने पेस्टिंग पेपर जो है वो पेस्ट कर लिया है। कपड़ा हमने नीचे की तरफ फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हम ट्रायंगल्स के बिल्कुल साथ साथ सिलाइयां लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। सिलाई जो है वो हमने पेस्टिंग पेपर के साथ साथ कपड़े पे लगानी है, पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं लगानी। ये देखें व्यूअर्स, हमने दोनों पीसेस पे सिलाइयां लगा ली हैं। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इनका, उसको कटिंग कर लेंगे कैंची की मदद से। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से हम ये कपड़ा कटिंग करेंगे। तकरीबन 1-1 सेंटीमीटर कपड़ा हम अंदर की तरफ छोड़ देंगे, ताकि जब हम इन ट्रायंगल्स को सीधा करें तो इनकी सिलाइयां खुल ना जाएं। कपड़ा कटिंग करने के बाद हम नीचे की तरफ जो कोने हैं उनमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे और फिर इन ट्रायंगल्स को इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम सीधा करेंगे और किसी भी नोक वाली चीज के साथ उनके कोने जो हैं, ऊपर वाले नोके हैं, वो हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, इसी तरह हम इन दोनों ट्रायंगल्स वाली पट्टियों को सीधा करके प्रेस कर लेंगे। ये देखें, हमने दोनों पट्टियों को सीधा करके प्रेस कर लिया है। अब हम उन्हें स्लीव के साथ अटैच करेंगे, एक इस साइड पे रखेंगे और एक इस साइड पे। लेकिन उनको अटैच करने से पहले हम दोनों तरफ 1-1 इंच की लाइन लगाएंगे। ये देखें, हमने दरमियान वाला जो इसरी के साथ मार्क डाला हुआ है उससे दोनों तरफ 1-1 इंच के फासले पर सीधी लाइन लगा ली है। अब इस तरह से उस लाइन के ऊपर रखते हुए हम इन ट्रायंगल्स वाली पट्टियों को स्लीव के साथ अटैच करेंगे सिलाई की मदद से। ये देखें, इस तरह से हमने सिलाई लगानी है कि जो
ट्रायंगल्स की ऊपर वाली नोके हैं, ये दरमियान में जो स्लीव के दरमियान में इसरी वाला मार्क है उसके बिल्कुल ऊपर आए, उससे आगे या पीछे ना हो। लेकिन इस तरह से पहले हमने एक तरफ अटैच कर लेना है इन ट्रायंगल्स को और फिर दूसरी तरफ। दूसरी तरफ इन ट्रायंगल्स को अटैच करते हुए ये ध्यान रखना है कि इनकी जो ऊपर वाली नोके हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आए, यानी एक दूसरे के आमने सामने आए। ये देखिए जी, दोनों तरफ हमने इन ट्रायंगल्स को अटैच कर लिया है। अब हमने ये जो एक इंच कपड़ा ज्यादा रखा था उसको इस तरह से इन ट्रायंगल्स के साथ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखें, दोनों तरफ से इस तरह ऊपर को उठाना है कपड़ा और इस तरह ट्रायंगल्स के ऊपर रखते हुए सिलाई लगानी है, ताकि ट्रायंगल्स की जो साइडों वाली सिलाइयां हैं हमने लगाई हैं जो, वो उसके नीचे छुप जाएं और बाहर की तरफ नजर नहीं आए। ये देखें, इस तरह से साइडों से कपड़ा उठा के जो हमने पहले से सिलाइयां लगाई हैं उनके ऊपर रखते हुए इस तरह हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप इस डिजाइन को इस तरह नहीं बनाना चाहते तो आप स्लीव को दरमियान में से कटिंग करके दोनों साइडों से फोल्ड करके तो ये ट्रायंगल्स वाली पट्टियां जो हैं वो उनके साथ अटैच कर सकते हैं। उस तरह ये होगा कि ये ट्रायंगल्स के नीचे जो स्लीव्स का कपड़ा है ये फिर नहीं होगा, ट्रायंगल्स के नीचे का एरिया जो है वो ओपन रहेगा। ये देखिए, हमने दोनों तरफ जो है वो कपड़ा ट्रायंगल्स के ऊपर की तरफ भी अटैच कर लिया है, नीचे स्लीव के तरफ रेड कलर की एक पट्टी भी लगा ली है फोल्डिंग के लिए। अब हम ये ट्रायंगल्स जो खुली हुई हैं इनको इस तरह से ये मोती लगा के आपस में मजबूती से अटैच कर देंगे और फिर हमारा ये डिजाइन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इन दोनों ट्रायंगल्स के कोनों को हमने आपस में अटैच करना है, नीचे से स्लीव की तरफ से हमने जो है वो धागा नहीं निकालना, सिर्फ ये जो ऊपर वाले इनके कोने हैं इनको पकड़ के सुई की मदद से आपस में अटैच करते हुए ऊपर मोती लगा देने हैं। ये देखें व्यूअर्स, इसी तरीके से हम बाकी तमाम ट्रायंगल्स पर भी मोती लगा लेंगे। ये देखें जी, हमने मोती लगा लिए हैं, ये हमारा स्लीव डिजाइन जो है वो मुकम्मल तैयार है। इस डिजाइन को आप इसी तरीके से ट्राउजर के पैंचों पर भी बना सकते हैं। तो ये थी व्यूअर्स हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।